ऑल राइट, हाई एवरीवन। गेट एग्ज़ाम के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और जैसे ही डेट्स पता चल गए, अचानक से दिमाग में प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि क्या मेरा रैंक आ सकता है। और जो आप 7-7 घंटे 8-8 घंटे पहले प्रिपेयर करते थे, अभी 2 घंटे के बाद ही थकान महसूस होती है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो इस सिचुएशन में मेरे पापा ने मुझे कुछ सजेस्ट किया था। मेरे पापा मुझे बताते थे कि सो जाया कर, अपने आंखों को जितना आराम देगा उतना जब आप उठोगे वापस से, वो एनर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 1 घंटा या फिर 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए। आप क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हो वही डिस्टर्ब माइंड के साथ, और पढ़ाई करने का मन नहीं करता। आप सो जाओगे उसके बाद भी आपको गिल्ट फीलिंग आना है, पर एटलीस्ट आपने जो एनर्जी सेव की है वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो और 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए। तो जब भी इस लास्ट के 2 मंथ में आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, बाहर टहलने से अच्छा है वापस डिस्टर्ब होके आ सकते हो किसी भी रीज़न से, या फिर आप मोबाइल यूज़ करने से अच्छा है कि आप सो जाओ, अपने आइज को आराम दो। और दूसरी चीज़, लास्ट के 2 मंथ से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 1 घंटा कंटिन्यूस या फिर 2 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाई करने की आदत डेवलप करो। गेट एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे कंटिन्यूस बैठना है। कुछ लोग बोलेंगे उस दिन मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ता तो 3 घंटे बैठना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर वो लोग आपसे झूठ बता रहे हैं। उस दिन से पहले आप पूरी रात सो नहीं पाते हो, डिस्टर्ब माइंड के साथ 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से अपना एक हैबिट डेवलप करो 1 घंटा कंटिन्यूस एटलीस्ट बैठने की। 25-25 मिनट वाली आदत अभी छोड़ दो क्योंकि अभी लास्ट के दिन चल रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा टिप था। और तीसरा टिप, दिसंबर में क्या करना चाहिए, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है। कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर के मंथ में क्या करना चाहिए वो जनवरी का मंथ बताएगा। जनवरी के मंथ में आप मेन नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको 10 सब्जेक्ट एक साथ मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो जनवरी के मंथ में शॉर्ट नोट्स से आप रिविजन करोगे। तो दिसंबर के मंथ में क्या करना चाहिए, पूरा अच्छे से मेन नोट्स रिवाइज होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। एक बार स्टार मार्क्स क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो, स्टार मार्क PYQ वापस से सॉल्व करो, बाकी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आंखों के नीचे से स्कैन करो। ऐसे हर सब्जेक्ट आपके एक बार मेन नोट्स से रिवाइज होने ही चाहिए। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है आप मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट में होगा क्या, 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ आएंगे। कुछ लोग सब्जेक्ट टेस्ट के बारे में पूछेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट में एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं, गेट एग्जाम में वैसे नहीं होता, पर सब्जेक्ट टेस्ट में एक सब्जेक्ट से 5-6-7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सब्जेक्ट टेस्ट देना प्रीफर करूंगा इंस्टेड ऑफ मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देना प्रीफर करूंगा इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट। मॉक टेस्ट तो मुझे अभी देना नहीं है। दिसंबर के मंथ में मुझे रिविजन करना है अपने मेन नोट से हर सब्जेक्ट एक बार, और मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें मैं, जैसे मेरा 3-4 सब्जेक्ट्स हो गया रिवीजन करके, तो मैं देखूंगा उसका कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट मेरे पास अवेलेबल है क्या, या फिर जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट अवेलेबल है उसी ऑर्डर में आप सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो। जैसे ही वो सेट रिवाइज करके हो गया उसका मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। तो ये आपका प्लान होना चाहिए दिसंबर के मंथ के लिए। अगर आप रिविजन करोगे मेन नोट से, अगर आप मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दोगे तो आपका मेमोरी भी स्ट्रांग किया है और आप 2-3 सब्जेक्ट्स हैंडल करना सीख गए हो, तो आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आप 10 सब्जेक्ट कैसे अच्छे से हैंडल कर पाओगे। जो लोग डायरेक्टली 10 सब्जेक्ट हैंडल करने के लिए जा रहे हैं उन्हें डिफिकल्टी होगा। तो ये सारी टिप्स मेरे दिसंबर मंथ की उन लोगों के लिए थी जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपका अभी भी 1 सब्जेक्ट पेंडिंग है या फिर 2 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, आप कोई टेस्ट नहीं दे पाओगे। आपको सिर्फ रिवीजन पे और अपने पेंडिंग सब्जेक्ट्स जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं कंप्लीट करना, वो करने की कोशिश कर सकते हो दिसंबर मंथ में। एक ही मंथ में रिवीजन भी करना, अपना और 1 पेंडिंग सब्जेक्ट कंप्लीट करना कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट अभी पेंडिंग है क्रैश कोर्स से कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो। क्रैश कोर्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो और एक लास्ट में एक टिप देता हूँ, मेरा मन कर रहा है आज के लिए मत प्रिपेयर करो, कल के लिए प्रिपेयर करो, उस फरवरी के दिन के लिए प्रिपेयर करो। कैसा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि अभी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है।
आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप रिविजन कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे पता है ना आप भूल जाओगे, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको रिविजन करना चाहिए मेन नोट से। अगर मुझे पता होता कि आपको याद रहेगा मैं मेन नोट से रिवाइज करने का टिप देता ही नहीं, मुझे पता है कि आप भूलोगे, आप भूल चुके हो इसलिए मैं आपको रिविजन करने बोल रहा हूँ मेन नोट से। तो कोई हर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। हम आज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फेब्रुआरी के गेट एग्जाम के लिए। आज हमें प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम रिविजन करते रहेंगे ऐसी तो हमें गेट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आज अगर आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, या फिर जनवरी में आपके 25 मार्क्स आएंगे 100 में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 मार्क को कैसे 40 बना सकते हो, 40 को कैसे 50 बना सकते हो, ऐसा एम होना चाहिए। डायरेक्टली 100 के अंडर आना चाहिए, डायरेक्टली 70-80 आना चाहिए, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से, गलत एक्सपेक्टेशन से, जो आपको डीमोटिवेट करेगी। तो मैं होप कर रहा हूं आपको मजा आया होगा, और अगर आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। हाँ, 2000 रुपीज़ मेरी कंसल्टेशन फीस है एक साल के गाइडेंस के लिए, कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और सिविल। हमने सिविल के लिए भी स्टार्ट किया अपना कंसल्टेशन, अभी सिविल वाले स्टूडेंट्स भी अप्रोच कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमने कंटेंट सॉर्ट कर दिया है, सिविल का टॉपर भी प्रेजेंट है जो आपके डाउट सॉल्व करेगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय। काला जादू करे मुझ पे और मैं करूं काला जादू, खाटी से बजाता जब भी लोने सब काबू, साथी काला डाकू मैं निशाना साधू, सारी पीटी करूं बाजू फिर दादू न साधू। काला जादू करे मुझ पे और मैं करूं काला जादू, खाटी से बजाता जब भी लोने सब काबू, साथी काला डाकू मैं निशाना साधू, सारी पीटी करूं बाजू फिर दादू न साधू।